अशोकनगर जिले के शाडोरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चाचोड़ा की पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीना उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी एवं मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हम अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस कारण हमने इस्तीफा दिया। उपचुनाव के मद्देनजर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, श्री सिंधिया की मेहनत और जनता से किए गए वादों का प्रदेश जनता ने श्री सिंधिया पर विश्वास किया, जिसकी बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस कमलनाथ द्वारा श्री सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी उपेक्षा की जाने लगी। सिंधिया जी ने चुनाव पूर्व किसानों तथा प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें कमलनाथ सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था। जब भी श्री सिंधिया जनता के बीच जाते, लोग उनसे पूछते, आपने जो वादे किए वो कब पूरे होंगे। इस बात को लेकर श्री सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा की, लेकिन लगातार फंड की कमी बताकर उनकी बात को अनसुना किया जाता रहा। इस पर सिंधिया ने जनता से कहा, अगर वचन पत्र में किसानों और प्रदेश की जनता से किए वादे कमलनाथ सरकार पूरा नहीं करती तो जनता के साथ सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। इस पर कमलनाथ द्वारा श्री सिंधिया का उपहास उड़ाने के लिए कहा गया, उन्हें सड़कों पर उतरना है तो उतर जाए, उन्हें कौन रोक रहा है। जजपाल सिंह जज्जी कहते हैं, इस तरह कांग्रेस और कमलनाथ द्वारा बार बार श्री सिंधिया का अपमान किया गया और हम अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने विधायकी से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ दी। जजपाल सिंह जज्जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, जब भी मैं क्षेत्र की विकास की योजनाओं का प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री के पास जाता, उनको सुना नहीं जाता, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रहता, इसी वजह से हमने विधायकी छोड़ दी और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।